सल्यूट है मुझे ऐसे विद्यार्थियों को जो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उस नाम में क्या रखा है जो नाम हम छोटे थे हमें मालूम भी नहीं था और वो रख दिया गया। फेम तो उस नाम में है ना, मजा तो उस नाम में है जब दुनिया आपको एक नाम देती है। तो आप यदि आज बैठ करके यदि छांव में पसीने बहा रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद थे और जिंदाबाद रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी भाइयों का दिल की गहराइयों से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो हम सीरीज चला रहे हैं आपके लिए 100 to 100 वाली, इस सीरीज के 7वें पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, है ना। तो इस सेशन को भी आप एक बार शेयर करेंगे और बिल्कुल जिंदाबाद तरीके से शेयर करेंगे, है ना, क्योंकि हर स्टूडेंट जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इसलिए कॉमेंट बॉक्स में जिंदाबाद की बाढ़ लगा दीजिए और फिर देखते हैं आज का सवाल क्या है। ये जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी वाली सीरीज हम चला रहे हैं ना 100 to 100 की, ये देखिए इसमें आज हम सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये हमारी कल की क्लास है, इस क्लास में भी हमने सिंबल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस देखे थे, है ना, और बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखना मेरे भाई, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे ना, तो होता क्या है एग्जाम में कि आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको सिंबलिक क्वेश्चंस होंगे, है ना। सिंबल को देख करके पहचानना होगा कि भाई स्विच का कौन सा है, फ्यूज का कौन सा है, सर्किट ब्रेकर का कौन सा है, ट्रांसफॉर्मर स्विच कैसा, ट्रांसफॉर्मर का सिंबल कैसा दिखता है। तो ये सारी चीजें आपको पहचानना होता है और एक से दो क्वेश्चन आपको जरूर इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये हमारी कल वाली एक क्लास है जिसमें हमने लिया था मध्य प्रदेश कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का जॉब प्रोफाइल, है ना। इसमें हमने बहुत बहुत ही बेसिक और बहुत ही गहराई से बात किया है ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। और देखिए इसमें हमें बहुत कम प्यार मिला है, उम्मीद करते हैं कि आपको हो सकता है कि इसका नोटिफिकेशन ना पहुँचा हो या फिर आपने इसको ध्यान ना दिया हो, तो आप इस वीडियो को जा करके एक बार ज़रूर देखें। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिंक इसका पिन कर दूंगा, आप जा करके जरूर देख लीजिएगा, है ना। फिर आप कमेंट करके बताइए कि ये क्लास आपके लिए, ये सेशन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था, ठीक है ना। तो चलिए मेरे भाइयों, थोड़ा सा आपके इस छोटे भाई को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार और दुलार की ज़रूरत है, है ना। तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे ऐसे विद्यार्थियों तक जो आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईटीआई से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास एक बार जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, करवाइएगा, है ना। नोटिफिकेशन को भी साथ में आपको ऑन करके रखना है ताकि नोटिफिकेशन ऑन रहेगी तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा हर क्लास की, है ना। देखिए आप, ये हमारी आज के क्लास का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, उसको पढ़िए ध्यान से। निम्न चित्र में से CFL को प्रदर्शित करने वाली विकल्प कौन सी है। आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है, है ना। इसमें से पहचानना है आपको कि जो आपकी ये जो CFL होती है ना, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, इसका सिंबल कौन सा है, है ना, ये आपको पहचानना है। तो ये वाली है, देखिए CFL ये है आपकी, क्या है, ये है CFL, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ये किस प्रकार की लैंप है, ये फ्लोरोसेंट लैंप है, है ना, फ्लोरोसेंट लैंप है। अब देखिए ये जो हमारी CFL है, ये किस उद्देश्य से हम इसको यूज करते हैं, तो हम इसको दोस्तों प्रकाश व्यवस्था के लिए यूज करते हैं। और ये वाइट कैसा प्रकाश देती है, व्हाइट कलर का प्रकाश ये जनरेट करती है ना, व्हाइट कलर का प्रकाश जनरेट करेगी, प्रकाश व्यवस्था में यूज करते हैं। और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, अभी मैं जो आपको दिख रहा हूँ ना, तो मेरे आसपास में CFL ही लगी हुई है, है ना, 40-40 वाट के CFL लगी हुई है। तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप एक्चुअली यही होता है। और इसमें से देखिए, ये जो आपको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये सिंबल, सॉरी इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, ये इसका इलेक्ट्रोड है, है ना, इलेक्ट्रोड वाला पार्ट है ये इसका, ठीक है ना। दो इलेक्ट्रोड होते हैं तो दोनों तरफ इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है। ये क्या है आपका, ये है आपका LDR, ये क्या है LDR, जिसको कही जाती है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, है ना, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर।
तो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का बेसिकली यूज कहाँ पर होता है? तो इसका यूज हम करते हैं सेंसर के लिए। किसके लिए? सेंसर के लिए इसका यूज करते हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट। जैसे कि कहाँ पर? स्ट्रीट लाइट। दोस्तों आपने बहुत देखा होगा कि जो सड़कों के किनारे या फिर बगीचों में स्ट्रीट लाइट लगी होती है, स्ट्रीट लाइट तो अक्सर सड़कों के किनारे लगी होती है, तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि वो ऑटोमेटिक तरीके से काम करती है ना, यानी कि इसमें एक सेंसर लगी होती है जो लाइट के अकॉर्डिंग सप्लाई को ऑन करती है और ऑफ करती है ना। जो हमारी स्ट्रीट लाइट होती है इस पर सप्लाई एनी टाइम ऑन होती है, लेकिन इसको ऑन ऑफ कौन करता है? तो ये सेंसर LDR करती है। जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है वैसे ही वो सप्लाई को ऑफ कर देती है, और जैसे ही रोशनी खत्म होती है यानी कि अंधेरा हो गया, सूरज की रोशनी खत्म, वैसे ही हम अपनी लाइट की रोशनी जलाते हैं, है ना, ताकि हमारी आवागमन जो है उस पर कोई बाधा ना उत्पन्न हो। तो ये सेंसर बेसिकली वही काम करता है ना, जैसे ही अंधेरा होगा ये लाइट को क्या करेगी? ऑन कर देगी, है ना। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए का LDR है। सभी ऑप्शन को मैं बताऊंगा, आप ध्यान से देखिए। ये है आपका फोटो डायोड। ये क्या है? फोटो डायोड। बेसिकली इस फोटो डायोड का काम क्या होता है? ये एक प्रकार का क्या है? सोलर सेल है। क्या है मेरे भाई? ये है सोलर सेल, जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है प्रकाश ऊर्जा को, किसको? प्रकाश ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। किसको? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये कन्वर्ट करती है। ये एक प्रकार का क्या है? सोलर सेल है, है ना। क्या है ये? सॉरी, फोटो डायोड है। प्रकाश को ये क्या कर रही है? देखिए, अपने अंदर सेंस कर रही है, फिर उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी, है ना। तो ये है इस प्रकार का, ये एक डायोड है। ये ऑप्शन नंबर सी है डायोड, ये है CFL और ये है LDR, है ना। देखते रहिएगा, आप हर एक ऑप्शन को बिल्कुल जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा, जितना मुझे आता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको बताने की। दर्शाए गए चित्रों में से डिस्चार्ज लैंप को बताइए। इसमें से डिस्चार्ज लैंप का चित्र कौन सा है? ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, है ना। चार ऑप्शन हैं आपके पास, ठीक है ना। जैसे आप लड़की देखने जाते हैं ना, तो एक ही लड़की को देखने गए और उसी से ब्याह कोई नहीं रचाता, है ना। अगर पसंद आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप दूसरी लड़की देखने जाएंगे, तीसरी लड़की देखने जाएंगे। कई बार तो ऐसे होते हैं चार चार रिश्ते आ जाते हैं। यूँ समझिए, ये चार चार रिश्ते हैं, इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है, है ना। तो खुद सिलेक्ट कीजिएगा आंसर क्या होगा इसका, डिस्चार्ज लैंप का। ये है हमारी डिस्चार्ज लैंप। ये क्या है? ये है डिस्चार्ज लैंप, है ना मेरे भाई। ये क्या है? डिस्चार्ज लैंप। और इस डिस्चार्ज लैंप का भी काम कहाँ पर आती है? तो ये प्रकाश व्यवस्था में ही आती है। कहाँ पर? इसको हम प्रकाश व्यवस्था में ही यूज करते हैं। सिंपल सी बात है, लैंप चाहे कोई सा भी हो, है ना, या तो सजावटी के लिए काम करेंगे या तो प्रकाश व्यवस्था के लिए, लाइटिंग सिस्टम के लिए यूज करेंगे, है ना। ये क्या है हमारी? सिंगल वे, नोट करिएगा, ये है सिंगल वे डबल थ्रो स्विच। ये क्या है? सिंगल वे डबल थ्रो स्विच। ये एक प्रकार का क्या है? ये है एक प्रकार का स्विच का सिंबल, है ना। सिंगल वे यानी कि रास्ता एक ही है, लेकिन थ्रो कितने हैं, पॉइंट कितने हैं? दो पॉइंट है ना, आप देख पा रहे होंगे। और ये क्या है? ये है आपका हूटर। ये क्या है? हूटर है, है ना। जिसको हूटर को हम और क्या नाम दे सकते हैं? अलार्म। इसको हम और क्या कह सकते हैं मेरे भाई? इसको हम अलार्म कह सकते हैं, है ना। जैसे कि देखिए, जैसे क्या होता है, कई बार बिल्डिंग्स में आग लग जाती है, तो आग लगने के दरमियान हम, मतलब कि किसी एक पर्सन को वो आग दिखा, अगर वो पर्सन फ़ोन लगाकर बताने लगा उस कंपनी या उस मॉल के सभी एम्प्लॉयों को, तो ऐसे में देखिए खतरा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, लोग सेफ्टी नहीं हो पाएंगे। तो हूटर क्या करती है? एक बार आवाज़ निकालती है, और हूटर का आवाज़ ना खतरे की आवाज़ है, है ना। ये अलार्म सबको मालूम हो जाता है कि भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, तो सारे के सारे एक साथ ही बाहर निकल जाते हैं। तो बेसिकली इसका काम ये है। और ये है आपका डबल ब्रेक आइसोलेटर स्विच। ये क्या है आपका? डबल ब्रेक आइसोलेटर स्विच, है ना। ये क्या है? आइसोलेटर स्विच है। डबल ब्रेक आइसोलेटर स्विच होता है ये। इसका सिंबल इस प्रकार से है, है ना। तो सारे के आंसर आपके नोटबुक तक पहुंच गए हैं। ये है डबल ब्रेक आइसोलेटर स्विच, ये है हूटर सिंगल वे डबल थ्रो स्विच, और ये है डिस्चार्ज लैंप, है ना। पहचानने की कला होना चाहिए, है ना। हर स्टूडेंट देखिए एक कलाकार है, हर स्टूडेंट एक कलाकार है। बस कोई है जो अपने कला को बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कर लेता है, और जो बेस्ट से बेस्ट कर लिया, जीत उसी को हासिल होती है, है ना। तो बस आपको अपने कलाकारी को ढंग से पेश करना है।
प्रीसेट रेजिस्टेंस का संकेत कौन सा होगा? बड़ा सिंपल सा आंसर है, ये है आपका प्रीसेट रेजिस्टेंस। ये है क्या आपकी? प्रीसेट प्रतिरोध, है ना, प्रीसेट रेजिस्टेंस। और ऑप्शन नंबर डी को आप देखिए, ये क्या है? ये है आपकी पीटीसी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कही जाती है पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट, है ना, इसको कही जाती है पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट, ये इसका पूरा नाम है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट होता है दोस्तों, इसका यूज कहाँ पर होता है ना, तो आपका इसका यूज होता है मोटर में ट्रांसफॉर्मर में, बट हम किस उद्देश्य से इसको करते हैं, ओवर करंट से, किससे, ओवर करंट से सुरक्षा के लिए, है ना, ओवर करंट से किसके लिए, सुरक्षा के लिए इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और उसी के साथ में यहाँ पर देखिए एनटीसी भी है, ये क्या है आपकी एनटीसी, जिसको कही जाती है नेगेटिव टेम्परेचर, इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट, है ना, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट, यानी कि ऋणात्मक तापमान गुणांक, है ना, हिंदी में भी नोट कीजिएगा, इसको कही जाती है ऋणात्मक तापमान गुणांक, ये क्या है, ऋणात्मक तापमान गुणांक है। और इसका काम गजब का है, इसका काम क्या है, बिल्कुल लॉजिकली काम है, ये सेंसर के रूप में काम लेती है, जैसे कि गाड़ी की टायर्स हो गई, है ना, नोट करिएगा, पहला पॉइंट है गाड़ी की टायर्स में किस उद्देश्य हेतु करते हैं, और दूसरा है इंजन की टेम्परेचर के लिए। देखिए आज के टाइम पे ऐसी ऐसी गाड़ियां बनाई जा रही हैं कि जब ड्राइवर उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है, चला रहा होता है, तो क्या होता है कि उसको सारी डेटा डिस्प्ले पे शो हो रही होती है कि टायर्स जो है, चारों पहिया जो है ना, उसमें प्रेशर कितना है, है ना, तो वो किसके माध्यम से, ये एनटीसी सेंसर के माध्यम से, ये सेंसर उस गाड़ी की प्रेशर को चेक करती रहती है, उस गाड़ी के टायर की, और वो डिस्प्ले करती रहती है, जिसे ड्राइवर को टोटल गाड़ी की रिपोर्ट मिलती रहती है टाइम टू टाइम। इंजन जो है ना, वो कई बार ब्लास्ट हो चुका है, है ना, ब्लास्ट मतलब कई बार ऐसे गाड़ियां हो चुकी हैं एक्सीडेंट जो इंजन ब्लास्टिंग के कारण हुई है, तो ऐसा इस मतलब कि एक प्रकार से ये सेंसर सेफ्टी दे रही है, आपकी अगर इंजन ओवरहीटिंग हो जाएगी तो फिर ये ऑटोमेटिक आपको यह डिस्प्ले पे शो कराएगा कि भैया आपकी गाड़ी की इंजन ओवरहीटिंग हो चुकी है, है ना, आप गाड़ी को रोक सकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट दीजिए ताकि इंजन जो है वो आराम से फिर से काम करने लग जाए, है ना। तो बेसिकली एनटीसी ना ये होती है, और ये एनटीसी, ये पीटीसी, और ये क्या है, प्रीसेट रेजिस्टेंस का ये आपको सिंबल है, है ना। ब्लोअर को पहचानिएगा दोस्तों, ये है आपका ब्लोअर, ये क्या है आपका, यह है आपका ब्लोअर, और कमेंट बॉक्स में मेरे भाई ब्लोअर क्या चीज़ है ज़रूर बताइएगा, है ना। यह है आपका ब्रैकेट फैन, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट फैन, ये क्या है, ब्रैकेट पंखा है। और यह है आपकी पॉजिटिव, नोट करिएगा, यह है आपकी पॉजिटिव पोलैरिटी, ये क्या है, पॉजिटिव पोलैरिटी यानी कि धनात्मक ध्रुवता, ये क्या है, धनात्मक ध्रुवता है। इसी प्रकार से एक ऋणात्मक ध्रुवता भी होती है, और ये हमारी सेलिंग फैन, ये क्या है, सीलिंग फैन है, है ना, ये है हमारी सीलिंग फैन। सीलिंग फैन क्या करते हैं हम, सीलिंग फैन देखिए हम क्या करते हैं, तो हवा लेने के लिए यूज़ करते हैं, आउटपुट में हमें क्या देती है, मैकेनिकल एनर्जी, जिससे पंखुड़ियाँ लगी होती हैं, घूमती हैं और हमें हवा देती हैं, है ना। बेसिकली इनका यही काम होता है, और हर घर में ये होता है, आज के टाइम पे ये देखेंगे हर घर में दिखेगा, है ना, मेरे सामने भी एक लटकी हुई है बट अभी ऑफ है, ठीक है। ब्रैकेट फैन की पहचान कीजिए, जस्ट अभी अभी हमने देखा, यही है हमारी ब्रैकेट फैन, ये हमारी क्या है, ये हमारी ब्रैकेट फैन है। और ये क्या है, आइसोलेटर, ये क्या है, आइसोलेटर है। और इस आइसोलेटर में ना, इस आइसोलेटर को हमेशा नो लोड की कंडीशन में, किस कंडीशन में, नो लोड की कंडीशन में इसको हम क्या करते हैं, ऑन और ऑफ करते हैं, यानी कि लाइन को पहले हम ऑफ कर देंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऑन ऑफ करेंगे, क्योंकि ये इसमें एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है, एक मूविंग कॉन्टैक्ट होती है जो घूमती है, है ना। तो जैसे ही अचल वाली कॉन्टैक्ट होती है, वो जैसे ही अचल वाली कॉन्टैक्ट पे अपना संपर्क बनाती है ना, तो हैवी लोड होने के कारण क्या होता है कि स्पार्किंग बड़ा खतरनाक होता है, तो उस स्पार्किंग को हमें नहीं होने देना है, इसीलिए आइसोलेटर को हमेशा नो लोड की कंडीशन में इसको क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं। ये हमारी ऑयल सर्किट ब्रेकर है ना, ये क्या है हमारी,
OCB जिसको हम कहते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर। और ये सब स्टेशनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पर? सब स्टेशन हो या फिर हो आपकी ग्रिड स्टेशन, सब स्टेशन हो या फिर ग्रिड स्टेशन, और वहाँ पर 220 किलो वोल्ट तक की वोल्टता के लिए हम इस OCB का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। ये सारी बातें याद रखिएगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ये सारी चीज़ आपको मिलने वाली है एक ई नोट्स के रूप में, एक PDF के रूप में, याद रखिएगा, है ना। OCB है, ऑयल सर्किट ब्रेकर है, ग्रिड स्टेशन सब स्टेशन में इस्तेमाल में आती है, और 220 kV तक। बस आपको इतना सा ही बात याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। ये क्या है? ये है आपकी सर्किट ब्रेकर। ये क्या है? सर्किट ब्रेकर, सामान्य प्रकार का। ये क्या है? सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ब्रैकेट फैन यही होती है, है ना। चलिए, अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना मेरे भाई, शेयर एक बार कर दो दबा के, है ना, शेयर एक बार कर दो। बाकी फिर चीज़ें जो है ना वो कंटिन्यू चलती रहेंगी, क्लास रुकने वाली नहीं है, क्लास रुकने वाली नहीं है। सरफेस वायरिंग की पहचान करना है आपको, है ना। आप अपना हुनर दिखाइएगा, आप अपना हुनर दिखाइएगा और फेस वायरिंग का जो सिंबल है उसको बताइए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ें देखिए थ्योरेटिकल रूप से मालूम होती है लेकिन प्रैक्टिकली हमें मालूम नहीं होती है ना। तो ये आपको प्रैक्टिकल रूप से बताने की कोशिश कर रहा है कि इसका सिंबल कैसा होता है, है ना। ऑप्शन डी की तरफ जाएंगे, यही है हमारी सरफेस वायरिंग। इसको हम क्या कहते हैं? सरफेस वायरिंग। अब ये सरफेस वायरिंग ना, यदि आपको ये पता चल जाए कि कितने वोल्टेज तक के लिए करते हैं तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाए ना। तो बिल्कुल दोस्तों, ये 250 वोल्ट तक, कितना? ओनली और ओनली 250 वोल्ट तक की वोल्टेज के लिए इस सरफेस वायरिंग को हम काम में लेते हैं। और प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इसको प्रयोग दोस्तों हम घरों पर करते हैं, है ना। कहाँ पर इसको प्रयोग हम घरों पर करते हैं? यह क्या है? यह आपकी वॉल माउंटेड लैंप है, ये है ना। वॉल माउंटेड लैंप का ये सिंबल है, किसका संकेत है? वॉल माउंट लैंप। यानी कि यूँ समझिए कि ये जो ब्लैक की ऊपर वाली पट्टी है, ये क्या है? ये है आपकी छत। ये क्या है? छत लगी होती है ना। और ये है आपकी, देखिए, ये है कंड्यूट वायरिंग। ये क्या है? कंड्यूट वायरिंग। और कंड्यूट वायरिंग देखिए कहां पर यूज करते हैं, और इसको 250 से लेकर के 450 वोल्ट तक यूज कर सकते हैं। यानी कि सिंगल फेज एंड थ्री फेज, है ना, सिंगल फेज एंड थ्री फेज दोनों के लिए हम इसको यूज करते हैं, कंड्यूट वायरिंग है। यह है आपका सामान्य बल्ब। ये क्या है? आपका सामान्य लैंप का ये सिंबल है, ठीक है मेरे भाई। ये सामान्य लैंप, कंड्यूट वायरिंग, वॉल माउंट लैंप सिंबल, और ये आपका सरफेस वायरिंग, है ना। चारों ऑप्शन है आपके पास और चारों ऑप्शन का कंटेंट आपके नोटबुक तक पहुंच चुका है। बस कुछ मिनट, कुछ समय दे दीजिए, सारे क्वेश्चन का आंसर आपके करीब होगा, आपके साथ में होगा, है ना। ट्रांसफॉर्मर की आपको पहचान करना है तो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बताइएगा, ट्रांसफॉर्मर आपकी ये है या फिर ये है, है ना। तो ट्रांसफॉर्मर देखना यार मेरे भाई, ये है ट्रांसफॉर्मर। क्योंकि इसमें ना, इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये आपको डेल्टा दिखाई दे रहा है और ये आपको स्टार दिखाई दे रहा है ना, ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर ही होती है। तो यही है आपकी, क्या है? यही है ट्रांसफॉर्मर, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम परिणामित्र के नाम से भी जानते हैं। यही हमारा मित्र, ये क्या है? हमारा मित्र है, एक इलेक्ट्रिशियन का मित्र है। और फिर ये है हमारी कौन सी? ये है थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, है ना, थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। और ये हमारी डबल थ्रो स्विच सिंबल, है ना। ये हमारी डबल वे डबल थ्रो स्विच का सिंबल है और ये हमारी ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है ना। ये देखिए, अलग अलग ट्रांसफॉर्मर का अलग अलग होता है। जैसे कि आपका सीटी के बारे में पूछेगा ना, तो सीटी का इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। ये हमारी किसकी सिंबल? ये है सीटी की सिंबल। पीटी के बारे में पूछे तो पीटी का देखना मेरे भाई, ऐसा होता है पीटी का, है ना।
ये किसका है, ये है आपका पीटी का, यानी कि सीटी और पीटी दोनों, हर ट्रांसफॉर्मर का अलग अलग सिंबल होता है। ऐसा नहीं कि ये ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है तो सारे ट्रांसफॉर्मर के सिंबल ऐसे ही होंगे, सब ट्रांसफॉर्मर का अपना अपना अलग काम है ना, सब ट्रांसफार्मर का, वैसे ही इसका सिंबल भी अलग है। एमसीबी को बताइए, थ्री पोल एमसीबी को, तो ये है आपकी थ्री पोल की एमसीबी, है ना, ये कितने पोल की है, थ्री पोल की एमसीबी। एमसीबी को हम कहते हैं मिनिएचर, नोट करिएगा, इसको कही जाती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर, है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि मिनी का मतलब होता है बहुत कम अमाउंट वाला सर्किट ब्रेकर। और पोल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, फेज से, पोल का मतलब क्या होता है, फेज से, है ना, यानी कि आप इस एमसीबी से, आप इस एमसीबी से थ्री फेज की सप्लाई को ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इस डॉट डॉट का मतलब होता है कि एक बार में ही तीनों फेज ऑन होंगे और एक बार में ही तीनों फेज ऑफ हो जाएंगे, है ना। क्योंकि मान लीजिए कि यदि आपका मोटर को चलाने के लिए हमने एमसीबी लगा रखा है ना, अगर ऐसा नहीं होता, दो पोल ऑन हो जाता, सॉरी ऑफ हो जाता, ट्रिप हो जाता, एक पोल, एक फेज ट्रिप होता ही नहीं, है ना, तो ऐसे केस में क्या हो जाती, आपकी मोटर सिंगल फेजिंग हो जाती और तुरंत का तुरंत जल जाती, है ना। तो इसीलिए एक साथ ऑन होगा तो एक साथ इसको ऑफ भी होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये है आपका टू पोल, ये क्या है, टू पोल एमसीबी। अब इसमें भी देखिए ऐसा केस नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक फेज का होगा और एक न्यूट्रल का होगा, टू फेज सिस्टम नहीं है ना। मैंने आपको बताया था टू फेज सिस्टम में क्या होता है कि दो फेज और एक न्यूट्रल तार होती है, और क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है ना, वो पूरी तरह से बैलेंस नहीं हो पाती, जिसके वजह से न्यूट्रल तार में भी करंट चलने लगती है और पावर का लॉस होता है। इसलिए टू फेज सिस्टम नहीं है, थ्री फेज सिस्टम है या फिर सिंगल फेज सिस्टम है, है ना। तो ये टू पोल हो गया, एक फेज का एक न्यूट्रल का, और ये है आपका एक पोल, ये कितने पोल का है, ये है आपका एक पोल का एमसीबी, सिंगल पोल का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, और ये केवल और केवल फेज के लिए होती है, है ना। ये केवल और केवल कहां पर लगती है, एमसीबी फेज में लगती है। न्यूट्रल में यदि लगा देंगे तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं, सर्किट तो ब्रेक ही करेगा, लेकिन नहीं, ये आईएसआई और बीआईएस रूल के खिलाफ हो जाएगा, है ना, उस रूल का ये उल्लंघन करेगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है, बिल्कुल हमें ऐसा नहीं करना है। इंडिकेटिंग लैंप का संकेत बताइए मेरे भाई, ये है आपका इंडिकेटिंग लैंप का संकेत, ये क्या है, इंडिकेटिंग लैंप, इनकैंडिसेंट लैंप, क्या है, इनकैंडिसेंट लैंप, है ना, इनकैंडिसेंट लैंप, इनकैंडिसेंट लैंप जो है, ये भी प्रकाश व्यवस्था में ही यूज करते हैं, और ये इसकी क्वाइल है, ये क्या है, इसकी, ये इसकी क्वाइल है, है ना, जो टंगस्टन की बनी होती है, और ये है आपकी देखिए इंडिकेटिंग लैंप, इंडिकेटिंग लैंप, ये क्या है, इंडिकेटिंग लैंप, और ये है आपकी इमरजेंसी लैंप, आपातकालीन, ये क्या है आपकी आपातकालीन लैंप, है ना, सारे लैंप ही हैं यार, सारे के सारे लैंप हैं। और ये है आपका वॉल माउंट लैंप, वॉल माउंटेड लैंप सिंबल, है ना, वॉल माउंट लैंप सिंबल, इमरजेंसी सिंबल, इनकैंडिसेंट लैंप और इंडिकेटिंग लैंप। ध्यान रखिएगा, इनकैंडिसेंट अलग है और इनकैंडी लैंप अलग है, है ना, क्योंकि इसका मतलब है सिर्फ इंडिकेट करना, है ना, क्या मतलब है इसका, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेट करना, और उसका मतलब है प्रकाश जनरेट करना, है ना। बस इतने से सवाल हैं, सारे सवाल के जवाब आपके मुट्ठी में हो चुके हैं, आपके नोटबुक के अंदर आ चुके हैं, है ना। पीडीएफ के लिए ज़रूर ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम चैनल को, और दोस्तों जितने शिद्दत से आप सभी मेरे भाई क्लास को देख रहे हैं ना, उतने शिद्दत से ना एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मुझे पता चल पाए कि यूपीपीएससी के मेरे विद्यार्थी कितने हैं, है ना, और पुलिस कांस्टेबल रेडियो के कितने स्टूडेंट हैं, है ना। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, चाहे आप गर्ल्स हैं चाहे आप बॉयज़ हैं, दोनों कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। चलिए,
तो ये रहा टोटल, देखिए सवालों का आंसर बिल्कुल धुआंधार तरीके से पहुंच चुका है, हर क्वेश्चंस का डिटेल्स मैंने आपको दिया है ना, तो एक लाइक तो बनता ही है, तो एक लाइक दबाइएगा और हमें थोड़ा मोटिवेट कीजिए, चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और दबा के सब्सक्राइब करवाइए, दूसरे तक शेयर कीजिए वीडियो को, और क्लास अच्छी लगी हो तो एक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर ठोक के जाइएगा, है ना। आप यदि आज बैठ करके यदि छांव में पसीने बहा रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद थे और जिंदाबाद रहेंगे, है ना। सल्यूट है मुझे ऐसे विद्यार्थियों को जो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं और फिर अपना खुद का करियर संवारने के लिए। देखिए यार, आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो ये मेहनत सिर्फ आप ही के काम नहीं आएगी, आपके पूरे फैमिली को काम आएगी, है ना, आपके बीवी बच्चों को काम आएगी, आपके माँ बाप को काम आएगी, आपका भी नाम होगा, है ना। उस नाम में क्या रखा है, जो नाम हम छोटे थे हमें मालूम भी नहीं था और वो नाम रख दिया गया, फेम तो उस नाम में है ना, मजा तो उस नाम में है जब दुनिया आपको एक नाम देती है ना। तो नाम कमाने के लिए इंसान स्ट्रगल और कड़ी मेहनत करता है ना। जो इंसान छाव में पसीने बहा दिया, छाया में जो इंसान पसीने बहा दिया ना, उसको कामयाब होने से ना कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई, कामयाब वो 100% होगा, है ना। तो आप यदि आज बैठ करके यदि छाव में पसीने बहा रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद थे और जिंदाबाद रहेंगे, है ना। तो चलिए, इस सेशन का अगला पार्ट बहुत ही जल्द लेकर आने वाला हूँ, सेशन नंबर 8, उसमें हम बिल्कुल दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे, और आपके साथ मिल करके तबाही मचाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए दिल से लव यू, दिल से प्यार, सब कुछ है आपके लिए तैयार, है ना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।